जिसकी वजह से ना दूध हमारा जो ना वो नहीं बना ही नहीं था, तो आप काफी लेट बना है, तो अभी लाइट आई तो अभी लगा दी, माशाल्लाह आ गई तो काफी निकल रहा है। एक हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, उन्होंने जनाब कमेंट्स किया हुआ था कि आप रोते आप क्यों हो भाई जी, बर्दाश्त करो, जब आपको किस पागल ने कहा था कि दो शादियां करें हैं, आप किए हैं तो फिर आप रोते क्यों हो। तो सिस्टर वो बस शादियां हो गई, शादियां मैंने दो जलील होने के लिए किए, अब क्या कर सकते हैं, शादियां तो हो गई ना, अब इस पर मट्टी डालें, क्यों हुई कैसे हुई, बस अब आपसे इल्तजा यही है कि आप दुआ करें कि सब कुछ सेट हो जाए, सारा कुछ जो अभी है ना हिसाब किताब ठीक हो जाए। मैं लाया बड़ा है थे मैंने सिर पीड़नी चाहिए, मेरा दिमाग ना सिर खराब पीड़ हो जो भी कर। हो भाई, मैंने उसको ना इधर लेकर आना है, लाया हूँ क्योंकि मैं, मुझसे निकल सीधी बात है, जाऊंगा। इतने खर्चे नहीं होते। आप कहते हो ना तारा को उधर ले जाओ, मैं कहता हूँ उसको इधर ले आते हैं, नहीं इकट्ठे रहेंगे आराम सुकून से, एक ही हांडी पकाई, ये उनके बच्चों को खिलाएगी, वो इनके बच्चों को खिलाएगी, तो जनाब नो टेंशन, मेरा एक ही है नहीं, तेरे चेहरे तेरे किन्ने ने होंगे लगी रहा वहां, जाती मां दिन सब कुछ नजर आ जाएगा, तो मेरे किन्ने को चेहरे नहीं, मेरा तो एक ही है, देख मेरा रहे तो वही मेरे चेहरा है जेड़ा हा पहले दिन अल्लाह तो आड़े हो, एक ही नजर आता मैं बिंदा, सब कुछ तो नजर एक आ ही गया नजर आ तेरे रहा अगे, है, चेहरे भी ते सुनाओ रंग तो भी सब कुछ नजर वैसे। आ हाँ गया। रंग दो ने पहले हां चिट्टा होता सी, हुन थोड़ा काला हो गया, ए गल कर सकने। अस्सलाम वालेकुम मैं जिहाली, कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज का रोजा बहुत ठंडा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, क्योंकि दोबारा से ना फिर ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी आ गई है, हवा चली हुई है, बादल कभी सूर्य के आगे आते हैं कभी पीछे हट जाते हैं, तो बड़ा मजे वाला मौसम बना हुआ है। तो दूसरे नंबर पर कल यार मैं बस इमोशनल सा हो गया था, काफी ज्यादा हो गया था, कुछ हद से ही ज्यादा हो गया था, सीधी बात है। तो अगर किसी को मुनासिब ना लगा हो तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बाप हूँ, फिर औलाद का दुख जो होता है ना वो बहुत तकलीफदा होता है, तो कल जो मुझ पर गुजरी है वो मुझे पता है, तो इसलिए मुझे बेटी की यकीन मानो बहुत याद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा याद है। फिर मैंने ना वो ढाइयाँ मार मार के बंदा रोता है ना, वो उस तरह रोना शुरू किया है, और कुछ वो कहते हैं ना रोने से थोड़ा बहुत ना हल्का हो जाता है हिसाब किताब, तो कुछ दिल का मतलब के बोझ हल्का ना हो दिल का जाता बोझ ही वो कुछ मतलब के कुछ बेहतर हुआ है, वरना मैंने पिछले 1 महीने से ना वो अंदर ही अंदर ना घुटन सी महसूस होती थी, ऐसे लगता था जैसे ना पता नहीं कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है, कोई डर सा खौफ सा मतलब के दिल में था, लेकिन कल रोने के बाद मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मेरी बात हुई अम्मी जी से, तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, फिर मेरी मनाल से बात हुई है, मनाल से जब बात मेरी हुई है तो फिर दिल को सुकून हुआ है, और यकीन मानो बहुत ज़्यादा सुकून हुआ है। अल्लाह ताला सबकी औलाद को सबकी बेटियों के अच्छे नसीब करे, हमारी दुआएं हमेशा सबके साथ हैं और सबकी औलाद के साथ है। अभी हम आए चारा काटने के लिए, तेरा बरकत, इस ईद पर ना चांस बहुत है कि हिना वापस आ जाएगी, तो हमने ना मिलकर रहना इधर, उसको ले आएंगे, तो आप इसके ऊपर क्या कहना साहब क्या ख्याल है तू भी काम कर, तू भी काम करे, की मतलब तू नहीं बैठे है रहे उथे बहु जा, तू उथे जा करो ना, तेरा इथे की सुन तुहना लिया इथे जे, की, सुनन दे उना बड़ा तुसी कहंदे ने तेरा बड़ी सही है गी, बड़ी सलूक ते सह मतलब तेरा सारा गंदी कुछ, है। मतलब अब तेरा के बात सुन ली, वो कह रही नहीं वो इधर आना ही नहीं चाहिए, मैंने बर्दाश्त नहीं करना नहीं करना है, जो मेरा जाना उथे नहीं बर्दाश्त, मैं क्यों करा। तू ही तेन ले हां जा सा, मैं नहीं, मैं नहीं जाऊ, तेन भी ले के जा सा, मैं तेनू कोई जरूरत नहीं, मैनू मेरा खुद शौक चलो है, पहल उन्होंने करा देने, वो इधर नहीं आया करा दे, ना ले आवा, नहीं मैं तो लाया आवनी है, मैनू सिर पीड़नी मैं चाहिए, लाया आवना है थे, मैनू सिर पीड़नी चाहिए, मेरा दिमाग ना सिर खराब कर। फीड होवे जो भी हां होवे भाई, मैंने उसको ना इधर लेकर आना है, लाया हूं क्योंकि मैं, मुझसे निकल सीधी जाऊंगा। बात है, इतने खर्चे नहीं होते। आप हां कहते हो ना तारा को उधर ले जाओ, मैं कहता हूँ उसको इधर ले आते हैं, नहीं, इकट्ठे रहेंगे आराम सुकून से, एक ही हांडी पकाई, ये उनके बच्चों को खिलाएगी, वो इनके बच्चों को खिलाएगी, तो जनाब नो टेंशन, तो फिलहाल यही सोच है, लेकिन तारा की समझ नहीं आ रही मुझे अभी तक। ना वे समझ, मैं सीरियस गल कर रहा हूँ, मैं सीरियस ही गल कर रही हूं, मैं कदम मजाक कर रही हूं, मतलब मैनू नहीं बारे समझ आई ना, जेड़ा काम करता पे कर पट्टी पट्टी कर मैं बस हूँ, फैसला तुम कर दिया जे, कि दे मतलब इतने हम, फैसला, मैं गलत गलत नहीं की थी कोई ना, अगर गलत की थी दस्या जे आज तेरा ने जनाब वो अपना चेहरा दिखाया, जो यकीन मानो मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह मैनू भी भी ये कोई बात उम्मीदा नहीं सन जेड़ियां तू कीतियां ने, आई करे समझ, मैनू तो कोई उम्मीद नहीं है जेड़ा तू, जेड़ा कुछ तू कीता है, तो मेरे ते भी कोई उम्मीद ना यकीन रखी, मानो मैंने ये चेहरा इसका आज देखा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करूं कि आप मैं लोगों को पता 7 साल चले कि पहले वेख लिया तेरा चेहरा, तो करदी भी है ना बर्दाश्त, बैठी है ना, मेरे हां जी 7 साल पहले बर्दाश्त किया तेरा चेहरा, तेरे तो रंग भी बाकी तो कोई तेरा नहीं, अल्लाह चेहरा करम है। करेगा इंशाल्लाह, शायद ये मेरा मेरी ख्वाहिश थी कि इनको इकट्ठा रखता, लेकिन लगता है कि इकट्ठा नहीं रह पाएंगे ये, क्योंकि मेरिया पढ़ते ना इधर पास, इधर नहीं रह पा रहे वो, तो फिर उसने क्या ही रहना है, ये मेरी मेरिया केड़िया ख्वाहिशां तू पूरियां कीतियां ने, मैं तेरियां ख्वाहिशां पूरियां करा,
जिन्ना प्यार हो तेरा मैं रखे हर तरह का जनाब किधरे भी नहीं देखा जे ऐ चेहरे होंगे ने लोगा चेहरे पिछे चेहरे होंगे ने रंग दो पहले चिट्टा होंदा सी हुण थोड़ा काला हो गया ए गल कर सकदे बाकी चेहरा एक ही है मेरा ओही रंग आ हुण भी ओही रंग है मतलब मेरा चेहरा भी ओही है तू हुण भी मतलब शुरू ला तू जानी है कि सी एक भाई आहो दूर दूर रहना है हां चांदी है बहुत गलत औरत है मोटू दा मैं गलत ही हां ए फ्यू मिनट्स लेटर अभी ना साय के नीचे बैठा हूं चारा वगैरह कट गया सब कुछ हो गया इस वक्त टाइम जो है 11:30 का हो रहा है और लाइट जो है ना 9 बजे चली गई थी मुझे अगर पता होता लाइट जल्दी जानी है तो मैं चारा जल्दी काट लेता अब 2-3 बजे आती है लाइट तकरीबन जब जाती है ना 9 बजे तो 2-3 बजे आती है तो 2-3 बजे तक अब भैंस जो है ना वो बेचारी भूखी है सुबह भी उसको ना चारा थोड़ा डाला था मुझे नहीं पता था कि लाइट आ जाएगी अगर पता होता तो मैं जल्दी काम कर लेता बाकी यहाँ पर हवा चली हुई है धूप निकल आई अच्छी खासी सुबह मतलब 7-8 बजे ऐसे लग रहा था जैसे मतलब सर्दी वाला मौसम दोबारा से चलेगा लेकिन उस जैसे 10:30 का टाइम हुआ है ना तो जनाब बिल्कुल साफ मौसम हो गया बादल वगैरह चढ़ गए पता नहीं किधर के किधर चले गए तो इस वक्त ना हवा भी बंद है और धूप भी फुल निकली हुई है तो मौसम अजीब सा बना हुआ गर्मी वाला बना हुआ है बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह अभी माशाल्लाह जी लाइट आ गई है और 2 बजे से पहले ही आ गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और तारा जो है ना उसने अभी तक मुंह सजाया हुआ है तो की परेशानियां लग गई तेनू चल नहीं ले आंदे परेशान ना हो नहीं ले आंदे चल नहीं परेशान नहीं हो जानी तेन परेशानी चंगी नहीं है तेरे वास्ते बड़ी परेशानी चंगी नहीं है तू नहीं ले आंदे क्या इतना ना नहीं ले आंदे तारा बरकत बड़ी परेशान हो गई भाई दूसरी वाइफ इधर ले आने मैंने उसकी सुन करना बहुत परेशान हो गया तू हूं की कहना है चक वडे ने चक वडे तारी चल परेशान ना हो नहीं ले आंदे यार दिल छोटा ना कर की हो गई कसम ना लोकी की आखन की बेकी हो जी औरत अज कहते उन्हें असं उसे कट्ठे जाना तय करना इतने नहीं बर्दाश्त होता पा अभी तेरा घी निकाल दी आज लेट हो गया घी को क्योंकि रात को जाग जो है ना वो सही लगा ही नहीं पता नहीं जिसकी वजह से ना दूध हमारा जो ना वो नहीं बना ही नहीं था तो आप काफी लेट बना है तो अभी लाइट आई तो अभी लगा दी माशाल्लाह घी तो काफी निकल रहा है अभी जब चारा वगैरह जो ना मशीन के साथ काट दिए और भैंस के आगे डाल भी दिया और अभी तेरा बरकत क्या कर रही वो आपको दिखाते हैं ये हमारे कुछ दरख्त लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जरूरी है ये एक है बेरी का दरख्त है अमरूद का है और ये सुहांजना है जिसका सालन बड़ा जबरदस्त बनता है लोग बड़े शौक से बनाते हैं यस यस और ये अनार है अंगूर है मेरे ख्याल में अनार है अंगूर हो सॉरी अनार कहना तो अंगूर कह रही हूँ अनार का है और वो गुलाब का फूल है हाँ, ये और गुलाब ये जो का बड़े वाला है ये आपको पता है ये अंजीर है ये अंजीर है बिल्कुल इसकी सफाई वगैरह करते हैं कचरा मचरा साइड पे करते हैं और इसको पानी लगाते हैं इनको एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं ये सारे पत्ते हैं और ये खुश भी है और टापर वगैरह इसमें है तो इनको आग लगा देंगे जो हमारी मुर्गियां है ना और ये इकट्ठा करके रखेंगे तो उन्होंने सारा फिर जो है फैला देना अभी जनाब इसके साथ इसको पानी देते हैं चल बस कर
पानी यहाँ तक आ गया माशाल्लाह से, सारा दरख्तों को भी लग गया। पौधे कह लेंगे दरख्त, पौधे दरख्त ही है, पौधे तो नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको ये पानी लग गया, तो इनको एक दो दिन बाद ना पानी लगाते रहेंगे ताकि इन पे अच्छा फल लगे और हम खाएं। जो पहले वाला फल खा रही हूँ ना वही हजम नहीं हो रहा। अभी माशाल्लाह जी तारा ने आग लगा दी, क्योंकि तारा आग लगाने में मास्टर है। अब मतलब कि वैसे लकड़ी वगैरह को इस तरह का हिसाब किताब जो है ना तारा बहुत अच्छी तरह कर लेती है। तो अभी हो गया माशाल्लाह, आग लग गई है। बातें सुन ले इनकी, फिर मैं बोली ना तो आप लोगों ने कहना है कि बहुत बोलती हो तुम। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, इसका यही तो मसला है ना कि इनका पूरा खानदान मैंने छुड़वा दिया, आग लगा दी पूरे खानदान में मैंने, है ना। अपने करतूतों का पता ही कौन नहीं कहा। ये दरख्तों से मतलब कि काफी पीछे हट करें, ऐसा नहीं कि दरख्तों के नीचे दरख्तों को हीट आएगी, ये मतलब पीछे इसका हीट वगैरह साइड पर ही रहेगा। बहुत सी मेरी बहनें कमेंट करती है कि तेरा आप काम ना किया करें, आप रेस्ट किया करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर के काम अब किसने करने हैं। तो एक दो तीन जगह से पता किया है हेल्पर के जो काम के लिए, लेकिन कुछ जो है वो पैसे बहुत ज्यादा मांगती हैं, और कुछ जो है वो कहती हैं जी इतनी दूर हमसे नहीं आया जाता, जो कहती हैं कि हमसे इतनी दूर नहीं आ सकते वो तो चलो थोड़ा बहुत जो है मेहनत कर लेती हैं, लेकिन जो ज़्यादा पैसे मांगती हैं ना तो इतनी साफ सी बात है कि हम इतने पैसे मैनेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई मिल जाएगी तो इंशाल्लाह कोई रख लेंगे, वरना आप मजबूरी है क्या कर सकते हैं, जो थोड़े पैसों में हो, ज़्यादा पैसों वाली तो बात फिलहाल नहीं है। गंदम जो है ना वो माशाल्लाह आई, एक महीने के अंदर अंदर आई, सिट्टे वगैरह हो गए हैं, दाना वगैरह अंदर चला गया है, और बस दूध है अभी इस दाने के अंदर, और बहुत जल्दी जो है ना वो पक जाएगा, बस धूप में जैसे निकल रही है ना इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर ये गंदम जो ना कट जाएगी। आज ना हमने गैस हमारी खत्म होगी इसलिए हम लकड़ी जला रहे हैं जबरदस्त वाली करके, और सालन जो है ना वो हमारा जनाब रात का ही है, हमने जी रात को जनाब दाल बनाई थी और दिन को फिर चावलों के साथ खाई है, अब रोटी के साथ खाएंगे हम। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, सालन तो पहले का ही था, तो अभी दूध जो है वो मैं रख रही हूँ गर्म होने के लिए ताकि इसके ऊपर मलाई आ जाए, मलाई अगर थोड़ी सी मोटी आ जाए तो माशाल्लाह घी जो है ना वो काफी ज्यादा निकल आता है, अगर मलाई ना बने तो फिर दूध के सॉरी क्या घी नहीं आता। मलाई के लिए ना एक डॉक्यूमेंट्स भी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि आप ना बड़े बर्तन में मतलब कि किया करें ये, जिससे ऊपर ना मलाई फिर ज्यादा होती है और जल्दी आती है बड़े बर्तन। इतना बड़ा तो बर्तन है और कितना बड़ा हो, मतलब शायद उनका होगा कि खुला हो कढ़ाई टाइप, नहीं इसमें इतना सा दूध होता है इतना काफी है बर्तन। चलो चलो ले आए फिर। चलो जी फिलहाल इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पर एंड करने लगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी और सोनी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का रखें और हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कल वाली वीडियो का मैं दोबारा फिर रिपीट ये कर रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी बात या मेरा वो जो भी था मैं इमोशनल हो गया था वो ठीक ना लगा तो उसके लिए माजरा चाहता हूँ, आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। तो बाकी मेरी फिर से भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब की बेटियों को अच्छे नसीब करे, सबकी औलाद को अच्छे अच्छे नसीब और अच्छे अच्छे हम सफ़र। हमारी दुआएं हमेशा हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगी। तो अभी जनाब खाना वगैरह खाकर उसके बाद फिर जनाब क्या कहते हैं, अभी मेरा ना चारा काटने वाला है मशीन के ज़रिए जो भैंस को खिलाना है। यार मैं चारे में ना सारा दिन मतलब इसे काटते ही रहता हूँ, कोई समझ नहीं आ रही कि मेरी लाइफ क्या बन गई है, कैसी जा रही है आजकल कोई समझ ही नहीं आ रही। हाँ नमक पा नींबू हैगा, नहीं नमक रहने दे, नींबू है चेक करिए अगर हो गया, देखा हरी मिर्च चले गई, अभी दाल के साथ लीमू और हरी मिर्च जो है ना उसके साथ मतलब के दाल खाई जाना तो ज़बरदस्त वाला मज़ा आता है। तो हमारी वीडियो लंबी होगी, अल्लाह हाफिज़।